जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक और विश्वविद्यालय बीएड और एमएड के बैक पेपर से संबंधित एक खबर आ रही है। जो आपकी परीक्षाएं फॉर्म भराई जा रही थी उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। जी हां, जो परीक्षा फॉर्म अवध विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड की बैक पेपर भराई जा रही थी, ये किसके लिए था? ये बैक पेपर था 2022 में जिन बच्चों के किसी एक पेपर में या तो बैक लगा हो, कोई एक पेपर छूट गया हो, या उस पेपर में नंबर कम आया हो तो उसे वो इम्प्रूव कराना चाहते हैं। तो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए ही था और वो परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा था जिसकी आखिरी अंतिम तिथि थी 10 मई। तो उस डेट को और आगे बढ़ा दिया गया है। आपके विश्वविद्यालय ने बाकायदा अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन और सूचना जारी करके ये खबर सारे बच्चों को दिया। तो क्या है वो खबर, आइए हम ज़रा विस्तार से पढ़ लेते हैं कब तक फॉर्म भरा जाना है। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो जाता है कि वो बीएड का बैक पेपर अभी होने में टाइम है, और जब बैक पेपर जब तक नहीं होता, बैक पेपर का जब तक रिजल्ट नहीं आता, रेगुलर का एग्जाम्स होने में भी समय लग सकता है। तो पहले आइए इस खबर को देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय ने जो सूचना जारी करी है उसने विश्वविद्यालय ने कहा क्या है और डेट कब तक आगे बढ़ी है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधा आ जाते हैं अवध विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पे, और क्योंकि यहीं से जो खबर है वो पक्की खबर मिलती है तो हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे अवध विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके बीएड और एमएड के बैक पेपर से संबंधित सूचनाएं जारी की गई हैं। तो हम आ जाते हैं अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, डायरेक्ट ऑफिशियली हम यहीं से पढ़ लेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय कहना क्या चाहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। ओके, तो नीचे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो नीचे आपके अवध विश्वविद्यालय के बैक पेपर से संबंधित जो सूचना जारी की गई थी विश्वविद्यालय यहाँ पे जारी करता है। जैसे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा जहाँ पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बात करी है। अब क्या बात करिए, आइए ज़रा इसको विस्तृत से हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। दोस्तों, सूचना आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि बीएड एवं एमएड आवासीय एवं महाविद्यालय प्रथम एवं द्वितीय बैक पेपर 2022 हेतु आवेदन परीक्षा आवेदन भराए जाने के एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10/5/2023 तक निर्धारित थी, जिसे दिनांक 16/5/2023 से 19/5/2023 तक, यानी कि जो 10 मई तक आपका डेट शीट था फॉर्म भरने का, अब उसको 16 से बढ़ाया गया है, मतलब 16 के बाद 19 तक विस्तृत किया जाता है। तत्संबंधित महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि पूरी परीक्षा की आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन 20/5/2023 तक कर लें, और सत्यापित परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित छात्रों की सूची विभाग में दिनांक 22/5 तक जमा करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि पूरित आवेदन पत्रों का स्वयं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर ले। नाम एवं पिता के नाम तथा अहर्ता त्रुटि होने पर संबंधित छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, ये है आपकी पूरी खबर जो विश्वविद्यालय आपके अपने वेबसाइट पर जारी करता है। इसको अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो संक्षिप्त में इसका सारांश ये है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म बीएड और एमएड की बैक पेपर की 10 मई तक भरी जानी थी, अब उसकी डेट बढ़ाकर 19 मई कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने की आखिरी प्रक्रिया कब तक समाप्त हो रही है? 22 तक विभाग को विश्व महाविद्यालय भेजेगा। अब 22 मई तक तो आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो रही है, तो कम से कम 22 के बाद अगर कम से कम भी समय लगेगा तो 20 से 25 दिन लगेगा। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बीएड और एमएड के एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो यकीन मानिए जून के अंतिम सप्ताह में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के अंतिम सप्ताह या तीसरे सप्ताह में ही आपकी बीएड और एमएड की संभवतः परीक्षाएँ होंगी, क्योंकि 22/5 तक तो आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। आपका नहीं, विद्यार्थी इसको 19/5 तक भर सकता है, ठीक है, लेकिन महाविद्यालय की प्रक्रिया कब तक है? 22/5 तक है। तो इससे ये आशा लगाया जा सकता है कि संभवतः आपकी जो बीएड और एमएड की बैक पेपर की परीक्षाएं हैं वह कम से कम आपके जून यानी कि अगले महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह या अंतिम सप्ताह तक जरूर जाएगा, ठीक है। क्या सच में विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ये चीज़ें जारी कर दी? आइए ज़रा देखते हैं कि क्या सच में फॉर्म फिर से भराया जा रहा है, एक नज़र उस पर डाल लें। सच में अगर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप पाएंगे कि सच में विश्वविद्यालय जो है आपका बीएड का बैक पेपर फॉर्म अभी भी भराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिख के आ रहा है कि बीएड और एमएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बैक पेपर की परीक्षाएं यहाँ पे साफ तौर पे भरती हुई नज़र आ रही हैं। आप यानी कि अभी भी लिंक एक्टिव है, आप यहाँ से भर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखता हुआ रहा है कि फील एग्जामिनेशन फॉर्म बी एड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एम एड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस की गई है, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों साफ तौर पे यहाँ कहा गया है कि टिल 19th of May 2023 11:59, मतलब आप 19 मई के रात 11:59 तक ही भर सकते हैं, लेकिन आप अंतिम समय का इंतज़ार मत करिएगा। अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आपको इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर फॉर्म भरना है तो आप आसानी से भर सकते हैं। एक और चीज़ साफ इसमें मेंशन किया गया है कि 2022 स्टूडेंट ओनली, जो 2022 में जिनको एक पेपर में देना है वही यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप एम एड का कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर बी एड का भर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट। फिर उसके बाद कोर्स नेम में आपको आ जाना है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन रहेगा, ठीक है। अगर आप बी एड का भर रहे हैं तो कौन से ईयर का भरना चाहते हैं, पेपर वन देना चाहते हैं या पेपर टू देना चाहते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी और एक सब्जेक्ट जिसको आप देना है क्लिक करके सबमिट करिए, फीस पेमेंट करिए और इस प्रकार से आपका बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों देखिए अंतिम मौका है, हो सकता है किसी बच्चे के पास अभी तक ये खबर या सूचना नहीं पहुंची हो, तो आपके माध्यम से अगर वहां तक पहुंच जाएगी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय इस चीज़ को आप सभी लोगों तक पहुंचा दें, इस सूचना को सभी तक पहुंचा दें। बेस्ट वे ये है कि आप इस वीडियो का लिंक को आप दूसरे बच्चों तक शेयर कर लें, अपने कॉलेज ग्रुप में डाल दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि बैक पेपर फॉर्म भरने का आखिरी दिन बस एक दिन और बचा है, वो है 19, ठीक है। 19 तक आप 12 बजे तक भर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अवध विश्वविद्यालय के बीएड एमएड से संबंधित अगर कोई सूचना आती है तो आप तक बताया जाएगा। बाकी बीएड की क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ तक कि मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का 5 वीडियोस, और एग्ज़ाम्स के समय आपको हर एक सब्जेक्ट का एक ही वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी चीज़ें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक एक्सप्लेन की गई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से अभी तक, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके पढ़ाई के साथ और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।